हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग कोडिंग एज अ फ्रेशर, मतलब अभी अभी कॉलेज पास हुआ है, आई थिंक सो ऐसा ही लग रहा है मुझे, कॉलेज पास हुआ उन्हीं को फ्रेशर बोलते हैं, या मान लेते हैं फर्स्ट ईयर को फ्रेशर मान लेते हैं जिसको कोडिंग नहीं पता है ना, तो जिसको कोडिंग कुछ नहीं पता है, कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, कहाँ से हिम्मत लाए देवी माँ की पूजा करके, क्योंकि मतलब कुछ नहीं पता लाइक, है ना, कैसे शुरू करे, तो बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं पता। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं पता है, तो ये ऑब्वियसली बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो आई थिंक इसमें सबसे पहले तो ये बात रहती है कि एक लैंग्वेज डिसाइड कर लो कोडिंग के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी क्वेश्चन में रहते हैं कि लैंग्वेज कौन सी डिसाइड करे, C++ या जावा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मेरे को सबसे ज़्यादा बच्चे मैसेज यही करते हैं कि C++ या जावा। हम लोग भी काफ़ी दिन इसी में अटके हुए थे सब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, और दूसरा ये कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहले ये कि आप एक लैंग्वेज डिसाइड करो और एक जगह से उसको पढ़ना स्टार्ट करो, लैंग्वेज को पहले, लैंग्वेज के बेसिक्स, फिर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, और कोई लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या आना चाहिए? सर कुछ भी नहीं, मतलब आप सीधा स्टार्ट कर सकते, आपको बस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और उसके लिए बेसिक मैथ्स, जैसे कि जो आई थिंक 7th-8th स्टैंडर्ड की मैथ्स होती है, दैट इज इनफ, नथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिक मैथ्स आपको 7th-8th स्टैंडर्ड के लेवल की मैथ्स अगर आती है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी के जो मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप साइड बाय साइड सीखते भी जाते हो जो कोडिंग में होती है, लेकिन शुरू में बस इतना इनफ है स्टार्ट करने के लिए, और फिर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आप धीरे धीरे सीखते हो, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे बढ़ते हो। तो बच्चे जो है ना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को देख के एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स आगे जाके, लेकिन अगर आप उसको एक फ्लो में करो और कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, कोडिंग में बात यही है कि तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो सब हो जाता है और सबसे ही हो जाता है। तो आई थिंक ये जो हम यहाँ पे कोर्स लेकर आ रहे हैं फाउंडेशनल कोर्स, वो ऐसे ही बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम पूरा स्टार्टिंग से लैंग्वेज बेसिक्स से प्रोग्रामिंग बेसिक्स, और फिर धीरे धीरे डेटा स्ट्रक्चर्स पर पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कि अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं या फिर तुम किसी और फील्ड से हो कंप्यूटर साइंस के अलावा। पूछने वाला था मैम, बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा कोई बच्चा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, मेरे बच्चा बोलते हैं हम लोग का बच्चा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, लेट अस से मैथ्स लिया हुआ है, हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा सर, हमारे कोर्स में हम कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी ऐड कर रहे हैं, जो कि कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, एंड जो मैकेनिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल के, वो ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में आते हैं। तो हमने ये सब टॉपिक्स कोर्स में इसलिए ही ऐड किया ताकि ये वन स्टॉप शॉप है सब बच्चों के लिए जो भी कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं।